मध्य प्रदेश में इस समय मानसून का स्ट्रांग सिस्टम एक्टिव है, जिसके चलते लगातार बारिश का दौर जारी है। वहीं स्ट्रांग सिस्टम एक्टिव होने से मंडला, सिवनी, बालाघाट समेत प्रदेश के 18 जिलों में तेज बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। इधर भारी वर्षा के चलते सागर के पगरा डैम के 11 में से 5 गेट खोले गए हैं। वहीं प्रदेश के उत्तरी हिस्से में 29 और 30 जुलाई को जोरदार बारिश की संभावना है। दरअसल इस समय एमपी और राजस्थान में मानसून ट्रफ पर पहुंचा हुआ है। इसके चलते ही एमपी के 25 जिलों में मध्यम से लेकर तेज बारिश होने को लेकर येलो से ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। वहीं 2 दर्जन से अधिक जिलों में बाढ़ का खतरा बना हुआ है। इसके अलावा लगातार हो रही तेज बारिश से प्रदेश की कई नदियां और नाले उफान पर चल रहे हैं। पिछले 1 महीने के अंदर करीब 15 इंच बारिश हुई है, जो कोटे की 35% है। वहीं मौसम विभाग की बारिश को लेकर अलर्ट की बात करें तो बड़वानी, अलीराजपुर, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, दतिया, श्योपुरकला, अनूपपुर आदि शहरों में येलो अलर्ट जारी कर दिया है। नमस्कार, मैं प्रकाश धोले, मौसम विज्ञानी, मौसम केंद्र भोपाल। जैसे कि आप देख सकते हैं कि जैसे पिछले 24 घंटे में जो है हमने पूर्वानुमान दिया था, कहीं कहीं हल्की से मध्यम, मध्यम से मध्यम वर्षा तथा कहीं कहीं मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावना पूरी बनी हुई है। उसके हिसाब से अभी आने वाले मीन्स पिछले 24 घंटे में जो है सर्वाधिक वर्षामान जो है मोहनगढ़, ये टीकमगढ़ जिले में आता है तहसील, वहाँ पर 230 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। उसके साथ ही उसी के और 2-4 तहसील जो है वहाँ पे भी जो है 110 मिलीमीटर, कहीं 90 मिलीमीटर, कहीं 95 मिलीमीटर तक वर्षा दर्ज की गई है। अभी आने वाले 24 घंटे में आप देख सकते हैं कि जो एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन झारखंड के ऊपर बना हुआ है, उसका वर्टिकल एक्सटेंशन 7.6 किलोमीटर अबव मीन सी लेवल बना है, और जो मानसून ट्रफ जा रहा है वो मीन्स अपना राजस्थान से होते हुए ग्वालियर, खजुराहो और आगे फिर बे ऑफ बंगाल की तरफ जा रहा है। और इसके साथ ही जो है एक शियर जोन 21 डिग्री नॉर्थ के ऊपर बना हुआ है, एक ऑफशोर ट्रफ भी बना हुआ है जो कि गुजरात से केरल कोस्ट तक जाता है, और गुजरात के ऊपर एक साइसर बना हुआ है जो कि 3.1 किलोमीटर अबव मीन सी लेवल। इन सभी सिनोप्टिक सिचुएशन के चलते जो है आने वाले 24 घंटे में जो है पूर्वानुमान दिया गया है कि पूरे प्रदेश में जो है फ्यू से लेके मोस्ट प्लेसेस तक के वर्षा होने की संभावना बनी हुई है तथा कहीं कहीं जो है मध्यम से भारी वर्षा भी होने की संभावना बनी हुई है। तो इसमें जैसे आप देख सकते हैं कि जैसे कि गुना तथा टीकमगढ़, छतरपुर और कहीं कहीं जैसे सिवनी हो गया, मंडला हो गया, यहाँ पे जो है भारी वर्षा होने की संभावना, लेकिन आज अभी फिर से रिव्यू किया जाएगा भारी वर्षा के बारे में और आपको दोपहर के बाद सूचित किया जाएगा। और भोपाल राजधानी का अगर देखा जाए तो भोपाल राजधानी में 27.8 मिली डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम टेम्परेचर दर्ज किया गया तथा मिनिमम टेम्परेचर जो है 24.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, और वर्षा जो है 0.6 मिलीमीटर ही हो पाई है बैरागढ़ में। और आने वाले समय में भी पूरे मीन्स भोपाल में जो है बादल छाए रहेंगे और शाम के समय में हल्की गरज चमक के साथ बौछारें गिरने की आने वाले 24 घंटे में पूरी उम्मीद बनी हुई है। धन्यवाद। भोपाल से उमेश यादव की रिपोर्ट।